बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। दांवपेच के तार प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर पटना आने वाले हैं। अमित शाह का यह दौरा 25 फरवरी को है। अमित शाह के दौरे को लेकर राजधानी पटना में बड़ी संख्या में होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। ऐसा ही एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अमित शाह के स्वागत में लगाए गए एक होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और अमित शाह को हनुमान जी के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी की ओर से लगाया गया यह होर्डिंग विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहा है, क्योंकि इस होर्डिंग में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक कार्टून के रूप में दिखाया गया है। नीतीश कुमार के कार्टून के साथ लिखा है पहले कुर्सी तो बचाएं, तो वहीं तेजस्वी यादव के कार्टून के साथ लिखा है कहां छिपे चाचा। पटना के बापू सभागार में आयोजित सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी और अमित शाह को भगवान राम और हनुमान जी के रूप में दिखाए गए होर्डिंग में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और बीजेपी नेता लव कुमार सिंह की फोटो भी लगी है। अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। दूसरी तरफ इसी दिन महागठबंधन ने भी पूर्णिया में महारैली की घोषणा की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन की रैली और अमित शाह की रैली एक ही दिन होने से महागठबंधन की रैली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महारैली के पोस्टर को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है। चलो चलें पूर्णिया का आह्वान करते इस पोस्टर में ना तो महारैली का कोई नाम है और ना ही इसमें महागठबंधन की पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर है। ये मुद्दे विपक्ष को इस महारैली पर चुटकी लेने का पूरा मौका दे रहे हैं। यानी 25 फरवरी को होने वाली दो बड़ी रैलियों के पोस्टर चर्चा में आ चुके हैं। पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है कि बिहार के लिए 25 फरवरी का दिन जो एक तरह से सुपर शनिवार होगा, उससे राजनीति का रुख कितना बदलता है। Thank you.